अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान अहमद बुखारी और मैं हूं आपका टीचर। आपको आज मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ कन्फर्मेशन। बेसिकली कन्फर्मेशन सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 से लिया गया है और कन्फर्मेशन का जो सेक्शन है वो 7 है। और इसमें क्या इसके लवाजमात हैं, क्यों ज़रूरी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कन्फर्मेशन बेसिकली हर सिविल सर्वेंट जो रेगुलर पोस्ट पर भर्ती होता है उसके लिए ज़रूरी है। कन्फर्मेशन किसी टेम्पररी पोस्ट के अगेंस्ट नहीं की जा सकती। और इसके क्या फ़ायदे हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है उन मुलाजमीन को जो गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर वो कन्फर्म हो जाते हैं अपनी 10 साल से पहले सर्विस में तो उनको वो HBA हाउस बिल्डिंग फाइनेंस उनको मिल सकता है। आप इसके रूल जानते हैं। कन्फर्मेशन जो होती है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से की जाती है। किसी भी टेम्प्रेरी पोस्ट के ये अगेंस्ट ये कन्फर्मेशन नहीं हो सकती, और हमेशा ये सेंशन बजट की जो पोस्ट होती है उसके अगेंस्ट बंदा कन्फर्म होता है। और ये रिटायरमेंट से पहले किसी भी दौरान उसका इदारा या डिपार्टमेंट चाहे तो उसको कन्फर्म कर सकता है। आप इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर बंदा कोई अपनी सर्विस के शुरू में यानी कि 4 से 5 साल के दौरान हो जाता है तो और वो किसी भी गवर्नमेंट के लोन में अप्लाई कर सकता है, जैसे कि HBA हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। और ये जो कन्फर्मेशन के जो है ना, ये रूल सिर्फ स्पेसिफिक है यानी कि BPS 7 से ऑनवर्ड है, यानी कि 21 स्केलों के जो 1 से 4 6 स्केल हैं इनके लिए ये रूल नहीं है कि वो लोन के लिए रूल नहीं है, लेकिन कन्फर्मेशन फिर भी उनके लिए भी है। और अब आते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एम्प्लॉयज़ की तरफ। जो लोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू क्वालिफाई होकर आए हैं और उनके लिए गवर्नमेंट से लोन लेने का कोई प्रोसीजर नहीं है, यानी कि उनको वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो आप उन गवर्नमेंट के इसे रूल के मुताबिक किसी टाइम भी वो अप्लाई कर सकते हैं और अहल है वो HBA लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ नसीब।